आमर यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी बीजगणित अनुशीलन 6D नंबर आम 7 को आम डिस्कसन करवा। तो आम नंबर 6 पर्यंत कौन है ना पूर्व भिडियो में डिस्कसन हो सारी। तो आज कौन करवा ना नंबर 7 को आम डिस्कसन करवा। तो नंबर 7 प्रश्न आम कौन देख, नंबर 7 प्रश्न देखिए गोटे आयत क्षेत्र दैर्घ्य प्रस्थर देढ़ गुण मान कौन कही दैर्घ्यटा प्रस्थर के गुण ना देढ़ गुण। तो यार क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर हेले यार परिसीमा निर्णय कर मान कौन कही प्रस्थर माने प्रस्थ जी थी तार दैर्घ्यटा कौन हम तार देढ़ गुण हे। तो आम कौन कर देखो प्रस्थ को आम प्रथम निर्णय करवापर आम कौन करवा दैर्घ्य को आम निर्णय करवा। मन कर आयत क्षेत्र प्रस्थ के ना आम एक्स मीटर नहीं जावा। मीटर कौन आने ना मीटर जो वर्ग मीटर दे मान प्रस्थ कौन हम आम एक्स मीटर हम। तो आम बर्तमान आम कौन करवा तो दैर्घ्य इज इक्वाल टू कौन हम दैर्घ्य इज इक्वाल टू प्रस्थर देढ़ गुण मान एक्स रेढ़ गुण देढ़ गुण मान एक पूर्ण एक व्यक्त कर दुई मान देढ़ कहले के एक रधा नहीं एक पूर्णांग एक व्यक्त दुई इज इक्वाल टू के एक देढ़ मान इज इक्वाल टू आम एक्स इंटर कहीं गुण न एक्स दुई एक दुई एक तीन दुई जो दुई गुण ना दुई एक दुई जो एक तीन थ्री बाय टू इज इक्वाल टू थ्री इंटु एक्स के थ्री एक्स बाय टू मीटर यही आम कौन ना दैर्घ्य हेले कौन कही ना यार क्षेत्रफल जब 1350 वर्ग मीटर हेले यार परिसीमा निर्णय कर कहुई। तो आम क्षेत्रफल इज इक्वल टू प्रश्न अनुसार है आयत क्षेत्र क्षेत्रफल कौन होता है आयत क्षेत्र क्षेत्रफल कौन होता है ना क्षेत्रफल इज इक्वल टू आयत प्रश्न अनुसार क्षेत्रफल इज इक्वल टू कौन तार सूत्र कौन होता है ना दैर्घ्य गुणन प्रस्थ होता है कौन होता है दैर्घ्य गुणन आम कौन होता है ना प्रस्थ होता है दैर्घ्य गुणन कौन होता है आम प्रस्थ दैर्घ्य गुणन प्रस्थ। तो क्षेत्रफल दिखाई देख क्षेत्रफल दिखाई के 1350 वर्ग मीटर दिखाई के 1350 वर्ग मीटर दिखाई 1350 लिखीद दैर्घ्य आम के ना 3x बाय 2 इंटु प्रस्थ है एक्स मान के 3x बाय 2 इंटु एक्स। तो इम्प्लाइज दैट आम के 1350 इज इक्वल टू 3x इंटु एक्स के 3x स्क्वायर है। देख ये कौन अच्छी एमती आमर नुआ वीडियो अपडेटेड देखापी चाहती ताहले चैनल टी सब्सक्राइब करनी बेल आइकन प्रेस करी ऑल बटन को सिलेक्ट करनी जहाद्वारा आमर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाई एवं देखी पारिबे। तो चलंतु वीडियो टी आम स्टार्ट गुणन हो तो ये डायरेक्ट कौन गुणन कर दूसरी गुणन 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है 3x इंटु एक्स 3x स्क्वायर एटा हरण होटे आसने कौन आम गुणन हो तो इम्प्लाइज दैट के 1350 गुणन के 2 इज इक्वल टू केवल आम एक्स स्क्वायर रखा है कहीं तीन टाइम गुणन अच्छे पटे संख्या अच्छी तो संख्या सहित आज हरण गुणन हम तेणु आम कौन करवा तीन टाइम गुणन अच्छी तो ये आसने कौन आम हरण कौन हरण हो। तो आम बर्तमान देखा कौन करवा ये देख तीन आम काटा कटुची कि तीन चौ बार तीन पंच पंद्रह है तो तीन शून्य शून्य आराम से कटुच्छे तो तीन आम काटा ये तीन चौ बार आदर है एक तीन पंच पंद्रह तीन शून्य शून्य होगा है देख तीन शून्य शून्य तीन पंच पंद्रह हाथ एक तीन चौ बार एक तेरह कटिगला। तो 450 गुणन के दुई तो इम्प्लाइज डेट आम के देख 450 गुण दुई दुई शून्य शून्य होगा दुई पंच दस हाथ रही एक दुई चौ आठ एक नौ के लिए 900 इज इक्वल टू कौन होगा ना स्क्वायर होगा तो स्क्वायर इज इक्वल टू के 900 होगा है। तो बर्तमान एक्स मूल्य बाहर करार अच्छी तो मोर स्पेस कौन कर गार पकईदेली है तो इम्प्लाइज दैट स्क्वायर इज इक्वल टू कौन आम एक्स इज इक्वल टू हम एक्स इज इक्वल टू कौन हम ना प्लस माइनस आम के 30 ए 30 कह 900 हम इज इक्वल टू के 900 वर्गमूल मान कौन यहाँ वर्ग अच्छे पटे आसने कौन होगा वर्गमूल होगा तो कौन कर बर्तमान देख हेल्ले कौन हो 900 कहार वर्ग मूल ना 30 जान 30 गुण 30 सामान 900 तो मोर एटी प्लस एनसर आसो माइनस आसो ना प्लस माइनस थी भी कौन हम प्लस एनसर हम माइनस एनसर हम ना तो कौन एक्स इज इक्वल टू के 30 हेल्ले मोर देख बर्तमान एक्सटा कौन नहीं चुम प्रस्थ तो प्रस्थ इज इक्वल टू के प्रस्थ इज इक्वल टू जेहतु एक्स नहीं थी मैंने के 30 मीटर होगा कैसे मीटर होगा आम 30 मीटर हेल्ले दैर्घ्य इज इक्वल टू के ना दैर्घ्यटा आम के पाई देख दैर्घ्य इज इक्वल टू के 3x बाय 2 इज इक्वल टू 3 इंटु एक्स एक्स मान के 30 अच्छे तो 30 बाय 2 दुई रे काटी जाए दुई के दुई 15 दुई नहीं समझ जानू नहीं तो अमर के 15 3 45 मीटर दैर्घ्य मीटर ना 45 मीटर है। तो बर्तमान पाई आम
आयत क्षेत्र प्रस्थ भी पाइले दर्घ्य भी पाइले तो बर्तमान आम परिसीमा बाहर करदे अतए परिसीमा जो तुमको निर्णय करवा कही तो परिसीमा इज इक्वाल टू कौन हम ना परिसीमा इज इक्वाल टू सूत्र पकई दि दुई गुणन दर्घ्य जुग प्रस्थ एटा है आयत क्षेत्र परिसीमार फर्मूला नहीं तो ये पूर्व भी जान पंचम श्रेणी पढ़ी आसुच नहीं तो दुई गुणन दर्घ्य जुग प्रस्थ है तो आम दुई गुणन दर्घ्य के देख पैंचाश जोग प्रस्थ होगा केस है तो के दुई गुणन पैंचाश अतिकला के पांच जुग शून सामान पांच चार जुग तीन है पांच जुग शून सामान पांच है चार तीन है सात सेवेन्टी फाइव है तो यह गुणन कर देते ना दुई पंचे दस दुई सत चौदह पंद्रह के एक सौ पचास मीटर एक सौ पचास मीटर तुमको परिसीमा निर्णय करवा कहुत तो यहाँ हमारे कौन ना परिसीमा आम निर्णय करी है तो यही है एनसर यहाँ कौन है एनसर तो ये नंबर सेवेन क्वेश्चन एनसर आयत क्षेत्र दर्घ्य प्रस्तुत निर्णय कर परिसीमा निर्णय करने को कहुत तो बर्तमान आम कौन करवा नंबर एट आड़क आम जा तो बर्तमान देखा नंबर एट क्वेश्चन कौन देखिए देख नंबर एट क्वेश्चन देखिए जड़े लोक तहार चार शह और चार शह एक चालीस वर्ग मीटर दुईट वर्गाकार जमी बदल गोटे वर्गाकार जमी कि मानने गोटे तार कौन तार दुईट वर्गाकार जमी थी गोटे चार शह वर्ग मीटर आ गोटे चार एक चालीस वर्ग मीटर दुईट जमी थी बदल कौन कला जमी बदल गोटे वर्गाकार जमी कि मानने ये दुईटा को मिसे जी हम तार से परिमाण गोटे कौन कला से आ गोटे वर्गाकार जमी कि कौन कला ना से बाड़ देवा खर्च मीटर प्रति से बाड़ देवा लगे कौन कला ना मीटर प्रति जब पांच टाइम से बाड़ देवाई से इच्छा कला आदि तार चारिपाखे वर्गाकार जमीर कौन कही चारिपाखे मानने चारिपाखे कले तार चारिपाख यार चारिपाखे बाड़ देवाई से कौन कला ना इच्छा कला तो से मीटर प्रति पांच टाँग लेखा हिसाब से कैसे टाइम खर्च हम कही जब गोटे एक मीटर पांच टाँग खर्च है टोटाल आम ये चारिपाखे बाड़ देवाई के खर्च हम बुला प्रश्न करेंगे मैंने ये चारिपाखे कहे चारिपाख मैंने कौन आम जानूँ चारिपाख मैंने परिसीमा यही भितर प्रश्न कहे आम क्षेत्रफल होती है तो कौन करवाक पड़ो परिसीमा निर्णय करवाक पड़ो तो आम ये लिखिपर कौन ना वर्गाकार जमीर क्षेत्रफल क्षेत्रफल कले एटा वर्ग मीटर कहुई वर्ग मीटर मैंने कौन अच्छी यहाँ तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर थी जानते कौन क्षेत्रफल होता है तो आम ये वर्गाकार जमीर क्षेत्रफल वर्गाकार जमीर क्षेत्रफल सामान जमीर क्षेत्रफल वर्गाकार जमीर क्षेत्रफल इज इक्वाल टू के वर्गाकार जमीर क्षेत्रफल होगा कि चार शह चार शह एक चालीस दुईटा अच्छी चार शह जग चार शह एक चालीस इज इक्वाल टू के चार चार आठ मान आठ शह एक चालीस वर्ग मीटर आठश एक चालीस मान जमीर क्षेत्रफल के आठश एक चालीस वर्ग मीटर मानते दुईटा को मिसे आठश एक चालीस मान आठश एक चालीस वर्ग मीटर रे कौन कर जमी से कौन कर तार कौन कर बाड़ देवा खर्च प्रति पांच टाइम हिसाब से कैसे खर्च हम मान या तो आमगला कौन क्षेत्रफल है कौन करवाक पड़ो आम बाहु बाहर करने को पड़ो बाहू सामान कौन ना क्षेत्रफल इज इक्वाल टू होगा बाहु गुणन बाहू मान बाहूर स्क्वयर होता है अतः क्षेत्रफल इज इक्वाल टू आठश एक चालीस वर्ग मीटर अतः बाहू सामान आम बाहर करते क्षेत्रफल इज इक्वाल टू कौन होता है ना क्षेत्रफल इज इक्वाल टू बाहू गुणन बाहू होता है मान बाहूर स्क्वयर बाहूर स्क्वयर प्रश्न अनुसार बाहूर स्क्वयर प्रश्न अनुसार लिख दबा आम प्रश्न अनुसार बाहूर स्क्वयर मान क्षेत्रफल बाहू इंटू बाहू मैंने बाहूर स्क्वयर इज इक्वाल टू के आठश एक चालीस जेहतु आम वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल जानू बाहू गुणन बाहू मैंने बाहूर वर्ग इज इक्वाल टू आठश एक चालीस इम्प्लाइज दैट बाहू इज इक्वाल टू कौन हम कह बाहू इज इक्वाल टू एट वर्ग अच्छी एपटे आसने कौन हो वर्ग मूल हो आठश एक चालीस के आठश एक चालीस तो आठश एक चालीस कहार वर्ग मूल कह आम जानू कौन ना अंतरीश वर्ग है आठश एक चालीस है अंतरीश वर्ग है आठश एक चालीस तेणु ये तो आम बाहू इज इक्वाल टू के अंतरीश मीटर कौन है अंतरीश मीटर देख अंतरीश को गुणन कर मन मन रखी न आम चतुर्थ पाठ में कौन अच्छी षठ पाठ वर्ग गुड़ाक मन रखा कहते तीस पर्यटन जब गुणन गुणन कर देख नौ नुए एक आशी नौ दुग्ने अठर अठर ए आठ है छब्बीस दुश एकसठी दुई नुए अठर दुई नुए अठर दुई दुग्ने चार पांच है तो यार एक आठ छः चौदह पाँच सात एक आठ के आठश एक चालीस गुणन कर अंतरीश मीटर होगा तो आम बाहू इज इक्वल टू के अंतरीश मीटर पाइले तो आम बर्तमान देखा कौन कही बाहू जी पाइले खाली आमको परिसीमा बाहर करने को पड़ो अतए परिसीमा इज इक्वल टू जेहतु चारिपाखे बाट देवा पड़ी तेनाली परिसीमा बाहर करने पड़ो तो परिसीमा इज इक्वल टू कौन जानते वर्ग क्षेत्र परिसीमा कौन हुए ना फोर इंटू बाहू कौन है
फोर इंटु बाहू तो है चार गुणन बाहू बाहर के अंतरीश पाई तो अंतरीश आम कौन करवा गुणन करदेबा के देख अंतरीश गुणन कले के चार नुआ के छत्तीस है हाथ रहा दुई चार दुन आठ तीन एगार शहे षोह मीटर शहे षोहल मीटर तो परिसीमा मानते टोटाल वर्ग क्षेत्र चारिपाखर मान कौन जगह के शहे षोह मीटर हेले एक मीटर रे खर्च हो टा ना पांच टाइम तो अत एक मीटर रे खर्च हुए टाइम एक मीटर रे खर्च हुए टाइम ना पांच टाइम एक मीटर रे खर्च हुए टाइम ना पांच टाइम हेले शहे षोह मीटर रे टाइम खर्च हे शहे षोह मीटर रे खर्च हे शहे षोह मीटर रे खर्च हे शहे षोह मीटर रे खर्च हे शहे षोह गुणन के आमर पांच हेला तो आम के पांच सौ तीस हाथ रहा तीन पांच एक पांच तीन है आठ पांच एक पांच पांच शह अशी टाँचा है कते टाँचा हम पांच शह अशी टाँचा खर्च हेला तुम्हें मोर स्पीच करदे तो अतए तुम्हें लिखिपार है वर्गाकार जमीर बाड़ देवाई वर्गाकार जमी बाड़ देवाई बाड़ देवा पाई मीटर प्रति पांच टंका हिसाब रे मीटर प्रति पांच टंका हिसाब रे पांच टंका हिसाब रे पांच टंका हिसाब रे मोट केते टंका खर्च हेबो ना मोट पांच सौ अस्सी टंका खर्च हेबो पांच सौ अस्सी टंका खर्च हेबो हला माने कोन हेबो से तार वर्गाकार जमीर माने चारि पाखरे से बड़ जदि पांच टंका हिसाब रे खर्च रे मान खर्च हे टोटाल रमर के टाँह पांच सौ अशी टाँचा खर्च हे तो यही आमर एनसर है तो यहाँ थी आम नंबर सेवेन आउ नंबर एट क्वेश्चन आमर एनसर तो परवर्त नंबर गुडा आम कौन करवा ना नेक्स्ट भिडियो आम डिस्कसन करवा तो आम चैनल टू जब आप प्रथम कर देखुंत आम चैनल टू ए सब्सक्राइब करना तो कौन करूँ आम चैनल टू सब्सक्राइब करनी सब्सक्राइब पाखर थी बेल आइकन प्रेस कर अल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करनी जहाद्वारा आम एवरी न्यू चैप्टर न्यू नंबर भिडियो नोटिफिकेशन आपरे सर प्रथम पहुंची पार और आपने देखिपारे भिडियो भल लगे निश्चित भाव लाइक करूँ और सांगसाथी सहित सेयार करूँ।